हेलो एवरीवन, वेलकम टू पालवेज किचन। आज हम देखने वाले हैं पाइनएप्पल केक कैसे बनाते हैं। ये डिलीशियस और ब्यूटीफुल पाइनएप्पल केक हमने 3 लेयर केक का यूज़ करके बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने स्पॉन्ज केक यूज़ किया है और साथ में ही इसे हमने डेकोरेट किया हुआ है विप क्रीम के साथ और ब्यूटीफुल ड्राई फ्लावर्स के साथ। ये फ्लावर्स हमने पाइनएप्पल से ही बनाए हुए हैं। इन्हें कैसे बनाया है इसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहे हैं। ये सुपर मॉइस्ट और डिलीशियस पाइनएप्पल केक की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, और ऐसी ही फूड फोटोग्राफी को फॉलो करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर विजिट कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पॉन्ज केक बना के लेंगे। यहाँ पर हमने 5 इंच के 3 अलग अलग केक बना के रखे हुए हैं। इसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहे हैं। साथ में ही वीडियो के नीचे हमने एगलेस स्पॉन्ज केक कैसे बनाना है वो भी दिया हुआ है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। जब स्पॉन्ज केक ठंडे हो जाएंगे फिर हम उसे इस तरह से ट्रिम कर लेंगे। केक को लेयर करने की वजह से जब आप इसके ऊपर क्रम कोट करने जाते हैं यानी व्हिप क्रीम या फिर बटर क्रीम लगाने जाते हैं तो आसानी होती है, और लेयर केक में लेवल होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक के ऊपर एक आपके लेयर स्टेबल रहेंगे। तो इसी तरीके से हम तीनों केक इक्वली और एक ही साइज़ के ट्रिम करके लेंगे और उसके बाद इन्हें साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने हेवी क्रीम ली है 1 कप, उसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच शुगर और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे व्हिप क्रीम बना रहे हैं तो मीडियम से हाई स्पीड के ऊपर हम इसे मिक्स करेंगे। जब शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस। यहाँ पे मैंने वैनिला एसेंस यूज़ किया है, आप चाहे तो पाइनएप्पल एसेंस या पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वान्टिटी में इसे यूज़ करना है। अब हम इसे मीडियम से हाई स्पीड के ऊपर मिक्स करेंगे जब तक कि हमें सॉफ्ट पिक नहीं मिलता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें सॉफ्ट पिक मिल चुका है। इसे ओवर मिक्स ना करें, नहीं तो दूध और इसमें जो बटर है वो सेपरेट हो जाएगा और वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए सॉफ्ट पिक हमें मिल चुका है, इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और क्रीम को साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लेंगे जिसमें हमने येलो कलर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको केक के ऊपर फ्लावर्स या कोई और डेकोरेशन करना है तो उसके लिए आप इस तरह से थोड़ा सा व्हिप क्रीम लेके उसे किसी भी कलर में आप मिक्स कर सकते हैं और फिर पाइपिंग बैग में उसे भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है और इसे पाइपिंग बैग में फिल किया है। क्रम कोट करते समय हम व्हिप क्रीम को साइड में लगाने वाले हैं केक के, इसीलिए हम यहाँ पे बची हुई व्हिप क्रीम में से थोड़ी सी व्हिप क्रीम लेंगे और इसे भी पाइपिंग बैग में फिल करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे राउंड नोज़ल लगा के रखा हुआ है। बनाई हुई व्हिप क्रीम में से हम थोड़ी सी व्हिप क्रीम इसमें डालेंगे और इसे भी अब साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे राउंड नोज़ल लगा के रखा हुआ है इस तरीके से, इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम केक को असेंबल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम केक बोर्ड रखेंगे और केक बोर्ड के ऊपर वापस हम थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे, जिसकी वजह से जब हम केक का स्लाइस उसके ऊपर रखते हैं तो वो यहाँ वहाँ नहीं फिसलता। तो यहाँ पे हम उसके ऊपर केक रखेंगे। केक को मॉइस्ट और उसमें पाइनएप्पल फ्लेवर ऐड करने के लिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस लिया हुआ है, करीब करीब 1 कप, और थोड़ा थोड़ा जूस हम इस पर डालने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि लेयर केक क्रीम ऐड करने के बाद वो मॉइस्ट नहीं रहता या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो जब हम इसमें इस तरह से जूस ऐड करेंगे तो हमारा केक मॉइस्ट और सुपर डिलीशियस रहेगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे व्हिप क्रीम।
व्हिप क्रीम को हम पूरी तरह से स्प्रेड आउट कर लेते हैं इस तरह से, और स्प्रेड करने के बाद हम इस पे डालने वाले हैं पाइनएप्पल के पीसेस। लेकिन जब आप पाइनएप्पल के पीसेस यहाँ पे डालेंगे तो ध्यान में रखिए आपका पाइनएप्पल पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए। अगर खट्टा पाइनएप्पल है तो आप थोड़ी देर उसे शुगर में उबाल के ले सकते हैं और उसके बाद उसके पीसेस यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये देखिए हमने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आप बड़े पीसेस यहाँ पे डालेंगे तो जब आप केक कट करने जाएंगे तो आपका केक टूट सकता है। पाइनएप्पल के पीसेस डालने के बाद हम उसके ऊपर वापस एक लेयर रखेंगे केक का, और सिमिलरली हम उसके ऊपर भी अब जूस डालेंगे। इनफ क्वांटिटी में हमें यहाँ पे जूस डालना है। जूस डालने के बाद हम उसके ऊपर वापस से व्हिप क्रीम का लेयर लगा देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। इसे भी हम स्प्रेड आउट करेंगे और वापस इसके ऊपर हम पाइनएप्पल के पीसेस डाल देंगे। जब भी आप कोई भी फ्रूट केक बना रहे हैं तो मैं इंसिस्ट करूंगी कि आप फ्रेश फ्रूट्स का ही यूज़ करें, क्योंकि उन्हीं में अच्छा फ्लेवर होता है। कैन फ्रूट्स और जो कैन चेरीज होती है उनमें उतना अच्छा फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा। पाइनएप्पल के पीसेस डाल के हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर बचा हुआ केक का लेयर रखेंगे, लेकिन इसे हम अपसाइड डाउन रखेंगे, यानी नीचे का पोर्शन ऊपर साइड रखेंगे, और इस तरीके से फोर्क की मदद से हम इसे पोक करेंगे ताकि इसमें थोड़े से होल्स बने, और उसके ऊपर हम पोर करेंगे बचा हुआ पाइनएप्पल का जूस, जिसकी वजह से ऊपर का जो लेयर है केक का वो भी मॉइस्ट रहेगा। फिर उसे हम कोट करेंगे हमारे बनाए हुए व्हिप क्रीम के साथ। इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर लेंगे। अब हमें पूरे केक को कवर करना है व्हिप क्रीम से, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा व्हिप क्रीम लेंगे और इस तरह से इसे कोट कर लेंगे। केक के चारों साइड से हमें इस तरह से इसे कोट करना है। इसके बाद हमने जो पाइपिंग बैग बना के रखी हुई थी राउंड नोजल के साथ, उसका यूज़ करते हुए हम केक के जो साइड से उसमें इस तरह से अब व्हिप क्रीम का लेयर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। जब ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा फिर हम नाइफ़ की मदद से इसे स्मूथिंग करेंगे, जिसकी वजह से केक जो है वो इजीली क्रम कोट हो जाएगा। तो ये देखिए हम इस तरह से अब इसे क्लीन अप कर लेंगे। आप चाहे तो इस केक को पूरा स्मूथ रख सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर हल्का सा वेवी टेक्सचर देने वाले हैं, जिसकी वजह से पाइनएप्पल के ऊपर जिस तरह से टेक्सचर होता है वैसा लुक आएगा। अब हम इसके जो नीचे का बोर्ड है उसे क्लीन अप कर लेंगे टिश्यू पेपर की मदद से। अब हम नाइफ़ की मदद से, या आप यहाँ पे स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से इसे होल्ड करेंगे और केक को इस तरह से हम घुमाएंगे और इसे वेवी टेक्सचर देंगे। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ही इसे फॉलो करें, नहीं तो आप इसे स्मूथ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम केक स्टैंड को घुमाते हुए इसे ऐसा वेवी टेक्सचर देंगे, और जो क्रीम हम निकालेंगे उसे हम साइड में निकाल के रख देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पे हमने येलो क्रीम जो साइड में निकाल के रखी हुई थी उसका यूज़ करते हुए कुछ फ्लावर्स बनाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये अगर आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली हमने जिस तरह से पाइनएप्पल के फ्लावर्स बनाए हुए हैं इसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, तो इस तरह से फ्रेश पाइनएप्पल को स्लाइस करना है और इनसे हमने खूबसूरत से फ्लावर्स बनाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें ड्राई फ्लावर्स कहा जाता है और यूजुअली केक डेकोरेशंस में इनका यूज़ होता है। देखिए कितने खूबसूरत है, तो इन्हीं का यूज़ करके हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे केक के ऊपर इन फ्लावर्स को सजाया हुआ है, और इस तरह से आपको
खूबसूरत सा पाइनएप्पल केक मिलेगा। आप जिस तरह से इसे डेकोरेट करना चाहें वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये सुपर मॉइस्ट और डिलीशियस पाइनएप्पल केक आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमने इसमें जो फ्रेश पाइनएप्पल के पीसेस डाले हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और ऐसी ही खूबसूरत फूड फोटोग्राफी को फॉलो करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर विजिट कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।